बिल्कुल आपका बिगिनिंग टॉपिक है, क्या है इनका, जिसे हम लोग बिल्कुल शुरुआत का कहते हैं, जिसे बिल्कुल क्या कहेंगे, ऑटोकैड की शुरुआत। क्योंकि होता क्या है कि प्रैक्टिकल एक ऐसी चीज है जो आप किसी की हेल्प से कर लेते हैं। क्या करते हैं, अभी आपने कुछ कैड के बारे में लिखा नहीं, कुछ सुना नहीं, कुछ जानते नहीं, फिर भी प्रैक्टिकल में बताया जाता है तो लाइनें आप खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन लाइन है क्या और लाइन कितने तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं इसके बारे में आपको आइडिया बिल्कुल नहीं है। जो सबसे इजी वे आउट होता है वो है फ्री हैंड। क्या होता है, फ्री हैंड। जो अभी आप काम कर रहे हो कौन सा है, फ्री हैंड। जबकि कहता क्या है, देर आर फोर मेथड टू ड्रॉ अ लाइन। लाइनें क्या कह रही है आपकी, चार तरीके हैं लाइन ड्रॉ करने का। तो जाहिर है कि पहला जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या ऑब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड है। तो ये तो आपने किया नहीं अभी तक, लेकिन आप ड्रॉइंग कर लेते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट को बना लेते हैं। स्क्रीन पे आपका यूसीएस कैसे रहता है, एक्स और वाई, ऐसे रहता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूसी यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब ये यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम का काम क्या है, ये यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको बताता है कि आपका एक्स और वाई का वैल्यू क्या है। ये लेंथ चल रहा है और ऊपर क्या चल रहा है, विड्थ चल रहा है। तो अब आप एक्स को कितना रखते हैं लिमिट में और वाई को लिमिट में कितना रखते हैं, इसी को आप पहले डिसाइड करते हैं, यूनिट के बाद डायमेंशन, डायमेंशन के बाद लिमिट या लाइन एक्स, यही नहीं करते हैं। लाइन एक्स चूंकि वन स्टेप में होता है इसलिए हम लाइन एक्स को रट्टा कर लिए हैं। लिमिट क्या होता है, वो दो तीन स्टेप में होता है और लिमिट को ऑन ऑफ करने के बाद स्क्रीन का जो प्रेजेंस है वो बदल जाता है। यानी लिमिट को ऑन कर देंगे तो क्या होगा, लिमिट के बाहर लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। कितना क्लियर है। अब आते हैं कि हाँ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में काम कैसे करें। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में पहला तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट हो, ये हो गया कि आपको माउस की कोई जरूरत नहीं। पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, यू डोंट नीड द माउस। यहां इस स्क्रीन पे दिख रहा है वन वन, यहां वन है और वहां वन है, दोनों एक दूसरे को जहां पे क्रॉस कर रहे हैं मिल रहे हैं, ये इनका एक्सिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यानी यहां से अगर आप कोई लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, वन कमा वन, जिसको आप लोग समीकरण यानी इक्वेशन में भी पढ़ते हैं। इज दैट क्लियर, आप समीकरण में ही पढ़ते हैं एक्स और वाई का वैल्यू। तो यहां पे क्या है कि एक्स वाई हम स्टार्टिंग में लेते हैं, इसके बाद हमें या तो एक्स में बढ़ना होता है या वाई में बढ़ना होता है, और एक्स वाई दोनों में अगर बढ़ रहे हैं तो कैसा जाएगा, लाइन तिरछा जाएगा। अभी सोचा है कि एक्स अगर हमारा बताया जाए कि हाँ ये सीधे जा रहा है, लेकिन वाई भी वैल्यू उसमें ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा वाई और तब एक्स उस लेंथ में जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक्स के साथ वाई का लेंथ नहीं डालते हैं, एन वगैरह बना रहे हो तो, लेकिन कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे, वो कैलकुलेशन आप करके रखोगे कितना है वाई बढ़ाने के बाद ही जाकर के स्लेंट हुआ है या एंगल पे गया, ठीक है। तो कहता क्या है, इन दिस मेथड वी यू हैव टू प्रोवाइड, वी हैव टू प्रोवाइड कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट। जितना ये रेक्टेंगल बना है, इस रेक्टेंगल का साइज अगर हम कहते हैं कि ये 10 है, क्या है 10 के बजाय 5 है इसका, और इसका भी 5 है, ठीक है। तो प्रत्येक कोने का वैल्यू कितना होगा ये हमें पता करना होता है, ठीक है। अब सपोज आपने ड्राइंग शुरू किया किससे, 5.5 से, 5.5 का मतलब क्या हुआ, x जो है ये 5 और y जो है 5 यहां पे मिल रहा है। कोऑर्डिनेट में कहां से मिल रहा है, तो आपकी लाइन कहां शुरू हो रही है, यहां से शुरू हो रही है।
जाना कितना है, फाइव जाना, एक्स की तरफ कितना जाना है, तो फाइव एक्स की तरफ जा रहे हैं और पहले से आपने छोड़ा है फाइव, तो दोनों को क्या करेंगे, इसको कार्टेशियन को क्या कहते हैं हम, जोड़ की विधि कहते हैं या एड मेथड कहते हैं, कौन सा मेथड बोलते हैं, तो हमने क्या किया कि दोनों को जोड़ के एक्स का वैल्यू कितना कर दिया, सिंपल है। तब जाके यहां हमने फाइव फाइव से शुरू किया था, ये जाकर वैल्यू कितना हो गया एक्स का, 10। अब कहेंगे तो y कितना रहा वहां पे, y फाइव रहा, y क्या रहा, ये सीधा जा रहा है ना, ऊपर उठता तब ना y इसमें कुछ जुड़ता, y के ठीक सामने जा रहा है, ये सब y, यहां से हाइट जो भी होगा क्या होगा, y होगा, यहां तक सब y होगा, नीचे से जो भी देखेंगे, तो यहां से अगर 5 है तो बाकी जगह भी उसका 5 ही होगा, तो यहां पे हाइट कितना हो गया, 5। क्लियर हो गया। अब आपने देखा कि पहला जो है 5 5 था, दूसरा आपका इक्वेशन क्या मिला, कोऑर्डिनेट वो 10 5 मिला। फिर चलते हैं, आपको इस बार चलना है y, किसमें जाना है, y x नहीं जा रहा, ऊपर जा रहा है तो किसमें जा रहा है, y। ये वाली लाइन हमारी जो है ये ऊपर की तरफ इधर बढ़ रही है, तो ये जा रही है यहां पे, तो 5 में जाएगी तो कितना जा रही है, 5, और y में पहले से वैल्यू कितना है, y, तो दोनों यहां में क्या कितना जाएगा, 10। तो x इसके सामने 10 है, तो y भी इसके सामने कितना हो जाएगा, 10। कोई डाउट, तो यहां का इक्वेशन कितना हो गया, 10, 10। क्लियर है, यहां पे कितना है, 10, 10। यानी इस तरह के रेक्टेंगल को बनाने के लिए अब आपको लाइन क्लिक करने की जरूरत नहीं है, माउस से क्लिक करने की जरूरत नहीं है, केवल एक्स वाई का वैल्यू देंगे और लाइन अपने आप घूमती चली जाएगी। यहां का वैल्यू कितना है एक्स का, 5। इसी के सामने ना आ रहा है, तो जाहिर है कि यहां फिर भी जितना ऊपर जाए या नीचे आए यहां तो 5 ही रहेगा, इसके सामने जो भी पड़ेगा वो क्या होगा, x 5 होगा। y का वैल्यू यहां कितना है, 10। इस साइड पे y का वैल्यू कितना है, तो 5 और 10 यहां का इक्वेशन हो गया। अब आप जैसे ही 5 10 देंगे लाइन यहां आके मिल जाएगा, यहां से नीचे जाना है तो या तो 5.5 इंटर कीजिए, नहीं तो क्लोज इंटर कीजिए, क्या करेंगे, 5.5 कीजिए या क्लोज इंटर कीजिए। क्लियर है, ठीक है। अब यही चीज हम करने की कोशिश करते हैं, यही चीज क्या करने की कोशिश करते हैं, किसी छोटे ऑब्जेक्ट पे, ये आपने बना दिया है डायग्राम, डायग्राम बना लिए हैं, वैल्यू उसका लिख लिया, इसी के आते हैं दूसरे डोमेन में, हैं? क्या करते हैं, इसी चीज को करते हैं, किसके किस पे, दूसरे डोमेन पे दूसरा वैल्यू लेकर के करते हैं।
क्लियर है? इसको एक बार और एक्सप्लेन करने की बात हो रही है। हम यहां से ड्राइंग को हटा देते हैं, क्या करते हैं, ड्राइंग को आपके कहने से मैंने एक रेक्टेंगल और बनाया है। ठीक है, इसका वैल्यू हम रखते हैं 0.0, क्या रखते हैं 0.0। इसका लेंथ है आपका 8 और इसका है 4। ठीक है, अब हमें स्पेसिफिक सब जितने भी क्वार्टर हैं उनके कोऑर्डिनेट को पता करना है। ठीक है, तो चूंकि 0 है तो क्या होगा, कुछ भी इसमें जुड़ेगा तो वो संख्या आएगा, 8 में प्लस 0 होगा तो 80 होगा ना, संख्या बढ़ा नहीं, आसान हो गया। यहाँ 1 1 होता तो क्या हो जाता है, 8 और 1 9 हो जाता है, लेकिन हमने आपके सहूलियत के लिए क्या किया, इसको 0 ही कर दिया। अब 8 बढ़ रहे हैं, x की तरफ कितना बढ़ रहा है, तो 8 प्लस एक्स जो है वो 0 है ऑलरेडी, 8 प्लस 0 कितना हो जाएगा, यानी समझिए कहां से बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहीं से बन रहा है, कहां से बन रहा है, ध्यान दीजिए यहां से शुरू हुआ है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा हो गया, 0.0, यहां से बढ़ा यहां तक बढ़ गया। अगला कह रहा है कि x स्थिर था, x नीचे ही रह गया, यहीं पे अपने UCS में ही रह गया, नहीं इधर उधर कहीं नहीं गया, एक्सिस में ही रह गया। अगला है 4 उठ रहा है, कितना उठ रहा है, 4। तो 4 यहां 0 से ही उठ रहा है, कुछ जुड़ा नहीं है उसमें, तो 4 किसके सामने पड़ा, यहां पर रहा जी। मिल गया, ये बन गया क्या, 0 या 8 था, 8 था और 8 और 4 बन गया। ठीक है, x का वैल्यू है कितना है, 8 है, और y जो जोड़ो जुड़ा कितना जुड़ा, 4 जुड़ा है, तो 4 का 4 वहां पे रहेगा। क्लियर है? अब सिमिलर यहां रिटर्न आते हैं, रिटर्न कहां आते हैं, रिटर्न हमारा है 0 0, कहां पे है 0 0, तो 0 0 पे रिटर्न है, तो x तो 0 है, x क्या है 0 है, y का हाइट कितना है 4, तो यहां आके लाइन मिल रहा है, क्या हो जा रहा है, तो इसका वैल्यू हो गया 0 और 4। अब यहां से यहां तक या तो क्लोज कमांड दे दीजिए या 0.0 करके एंटर कर दीजिए, ये आपस में जाकर के मिल जाएगा। तो हमें क्या मिला कोऑर्डिनेट, यहां का 8 और 4, यहां 0 और 4, यहां क्लोज का। इस तरह से कोई भी जो आप जैसे यू बना रहे हैं, एल बना रहे हैं, सबका वैल्यू ऐड करके आप इस चीज को बना सकते हैं, इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ग्रिड को ऑफ करके लाइमेक्स यूनिट कुछ नहीं सेट करते, जो डिफॉल्ट है, यानी डिफॉल्ट का मतलब किसमें है, इंचेज में, क्या है, इंचेज में, तो हमारा जेड इंटर ए इंटर कर लेते हैं, जो मॉल हो गया 12 और 9 का है, लिमिट सेट नहीं है इसलिए कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं कि पहला है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, वैल्यू दिखाइए आपको एल इंटर। ठीक है, अब एल इंटर करने के बाद 5.5 क्या होता है, 5.5 ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां बन रहा है, अब एफएट ऑन करना जरूरी है, क्या करना जरूरी है, एफेट करेंगे तो हमारा ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा, एफेट से ही है, इसलिए हम सीधे हम यहाँ ऑटो यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, सहूलियत के लिए
अब क्या करना है कि थोड़ा सा चाहे तो आप जूम कर लीजिए, इसके बाद माउस हम लोग नहीं करने वाला है, ठीक है, जूम कर लिए तो आपको दिखाई देने लगे। अब अगला बोलिए क्या है, 10.5 इंटर, ठीक है, नेक्स्ट 10.10 दिख रहा है, बन रहा है, हम देखने नहीं जाएंगे कहाँ गया है, वो ऑटोमेटिक रिटर्न आएगा। उसके बाद 5.10 ठीक है, उसके बाद कैसा रहा, बन गया आपका। अगर जूम नहीं दिखाना होता तो हम माउस को भी नहीं करते, जरूरत भी नहीं, ठीक है। इस तरह से आप जो करते हैं इसको क्या बोलते हैं, तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड, इसको क्या कहते हैं, यहां का वैल्यू कितना था, आईडी कमांड देंगे, कौन सा कमांड देंगे, आईडी कमांड देंगे, और यहां का वैल्यू हम लोग चेक करेंगे, ये दिखा रहा एक्स 5 और वाई 5। सिमिलरली आईडी कमांड देंगे, यहां का वैल्यू देखेंगे तो क्या होगा, 10.5, यानी जो हमने यूज किया है वो बिल्कुल सही वही दिखा रहा है। आईडी फिर यूज करेंगे, ठीक है, 10.10 आईडी यहां का भी, ठीक है। तो अब आप जब जान गए हैं कि यहां कहां का वैल्यू कितना है, तो आप चाहे तो टेक्स्ट कमांड लीजिए, अब आपने यहां कितना लिखना था, 5.5 है, अब ये काफी बड़ा है, क्या है, बड़ा है तो क्या करेंगे, स्केल कर लेंगे तत्काल, दूसरा कमांड अभी नहीं यूज करेंगे, वाइन 3, ठीक है, हो गया। अब इसी को कंट्रोल्स भी पेस्ट करते चले जाइए, क्या करेंगे, पेस्ट करके हम लोग एडिट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, जैसे मैं आपको टेक्निक बताता हूं कि पेस्ट करके हम लोग एडिट कर लेंगे, कि हमें पता रहे कि यहां का वैल्यू कितना है, यहां कितना हुआ था, 10.5 है, 10.5 था, 10, 10. ये समझने के लिए है, और कोई यूज नहीं है, बन तो गया था कब का, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आए कि जब आप ड्राइंग देखें तो क्या वैल्यू है यहाँ। सिमिलरली यहाँ पे 5 और 10 हो जाएगा, क्लियर है। yes, तो हमने 5.5 से शुरू किया, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 10.5, ऊपर जाने के लिए 10.10, और बाईं तरफ वापस आने के लिए 5.10, और यहाँ पे क्लोज कमांड देंगे, क्या देंगे, यहाँ पे क्लोज देंगे, तो क्लोज देते ही साइज हमने ले लिया है, तो क्या हो गया, इसलिए उसी साइज से हम लोग सबको टाइप कर, क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग करते हैं समाप्त, पट्टा छेद करते हैं, बंद करते हैं।